गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा का मैथ का 12वां क्लास लेने जा रहा हूं, जो त्रिकोणमिति का क्लास है। तो इसमें जो है से आप देखिए, कुछ फार्मूला जो है से दे रहे हैं, फार्मूला जो है से 11 से संबंधित है, जो मैट्रिक क्लास में नहीं था। अगर मैट्रिक क्लास में आप लोग एडवांस मैथ पढ़े होंगे तो ये फार्मूला देख सकते हैं। तो देखिए, फार्मूली फार्मूला का प्लूरल है फार्मूली। तो देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर यही साइन ए माइनस बी आ जाएगा नीचे वाला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से जो है कॉस ए प्लस बी बराबर अगर रहेगा, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर साइन ए प्लस बी था तो प्लस था तो यहाँ प्लस आया, और माइनस था तो माइनस में जो है बस यही चीज रहा और माइनस आ गया है। कॉस ए प्लस बी बराबर है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान देने योग्य बात है कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर जो है क्या है कि माइनस आ गया है। जब प्लस है तो यहाँ पर जो है से आपका माइनस आ गया है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जो है से प्लस आ गया है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर कोई कहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और वही जो है से कॉस ए माइनस बी कहेगा तो कॉस ए माइनस बी कहेगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी या प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह से जो है से इसका है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस बोलिएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। टेन ए प्लस बी बराबर क्या है, टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर टेन ए माइनस बी कोई कह देगा तो इसके बाद जो है से देखिए प्लस के नीचे ही माइनस दिया हुआ है, तो ई वाला फॉर्मूला बोलिएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, मैंने सेकंड वाला जो है से साइन आप लीजिएगा। तो देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, समझिए कि इसमें दो फार्मूला छिपा हुआ है। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, इस तरह से जो है प्रत्येक में दो दो फार्मूला है, आपका जो है सही 6 फार्मूला हो गया। अब इसमें जो है से हम क्या बता रहे हैं कि यदि ए बराबर बी मान लिया जाए, यदि ए बराबर बी हो तो क्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा तो साइन टू ए, और यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी है तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, और फिर यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए ये फार्मूला जो है सही तरह से बन जाएगा, साइन टू ए बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस ए और फिर साइन ए इंटू कॉस ए, तो टू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो साइन टू ए बराबर आ जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन टू ए का फार्मूला जो है से टेन के रूप में भी होता है, जो 11 क्लास में ही सब सिद्ध किया जाता है। तो देखिए एक ऐसे भी फार्मूला होता है साइन टू ए बराबर टू टेन ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर। उसी तरह से ए बराबर बी अगर इसमें रखा जाए तो कॉस ए प्लस ए हो जाएगा तो कॉस टू ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो कॉस टू ए बराबर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और टेन के रूप में भी एक फार्मूला होता है, तो वह होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर इसके बाद देखिए ए बराबर बी अगर इसमें रखा जाए टेन ए प्लस बी में, तो टेन ए प्लस ए तो टेन टू ए आ जाएगा, तो टेन ए जो टेन ए तो टू टेन ए, तो फार्मूला ऐसे बन जाएगा टेन टू ए बराबर टू टेन ए बटा वन माइनस टेन स्क्वायर ए। सब जो है सही, जो भी फार्मूला इसमें हम ए बराबर बी रख रहे हैं सब प्लस वाले में रख रहे हैं, माइनस में नहीं रख रहे हैं। तो इसके बाद जो है से आप देखिए इससे जो है इससे जो कॉस टू ए है इससे का फार्मूला ई तौर पर डेराइव होता है, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, वन प्लस कॉस टू ए अगर रहे तो टू कॉस स्क्वायर ए, टू ए है तो एक आधा ए यहाँ होगा, और वन माइनस कॉस टू ए अगर है तो टू साइन स्क्वायर जो है से ए होगा। उसी तरह से देखिए और कुछ लिख दिया है साइन ए प्लस बी आई इन टू साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही कॉस ए प्लस बी इन टू कॉस ए माइनस बी रहे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ पर आपको लग रहा था कि जब साइन ए प्लस बी इन टू साइन ए माइनस बी है तो साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर बी आ गया, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा
कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b चाह रहा था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b ऐसा होता है। तो फिर इसके बाद जो है से और आगे का देखा जाए, sin a प्लस b या प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b का ही फॉर्मूला है, sin a माइनस b का जो है से माइनस है, तो नीचे वाला फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ माइनस चिन्ह होगा। तो अगर साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी कर दिया जाए तो इसका जो है जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाता है, जिसको फॉर्मूला के रूप में हम लोग याद रखेंगे, टू साइन ए इंटू कॉस बी। और कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी अगर है तो यह जाएगा टू कॉस ए इंटू साइन बी, बस यही चीज है। देखिए कॉस आगे आ गया, साइन पीछे, और वही जो है से कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी है और प्लस कॉस ए माइनस बी रहे तो टू कॉस ए इंटू कॉस बी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है से कुछ ज्यादा चेंज होने जा रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए। देखिए सब ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, कॉस ए माइनस बी आगे माइनस कॉस ए प्लस बी, प्लस ए के पीछे लिख रहे हैं, जबकि इधर सब जो है से प्लस वाला आगे लिखा रहा था और इन तीनों में माइनस वाला पीछे लिखा रहा था, इसमें जो है से माइनस वाला जो है से आगे लिख रहे हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यह आ जाता है टू साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह का आ जाता है। यह जो है से सिद्ध करना कोई भारी बात नहीं है, फार्मूला को जो है एलएचएस में रखेंगे तो ये सिद्ध हो जाता है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है सो उसको सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए इसके एक दो तीन चार जो हुआ इसके आधार पर जो है से और कुछ फार्मूला बन जाता है, जिसको जो है से हम चर्चा कर ही दे रहे हैं। यदि a प्लस बी को c मान लिया जाए और a माइनस बी को d मान लिया जाए, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो b है माइनस b है तो इधर कट जाएगा, तो a प्लस ए टू आ जाएगा, तो टू ए बराबर सी प्लस डी, इसलिए a बराबर सी प्लस डी बाई टू। उसी तरह से अगर घटा देंगे तो b बराबर निकल जाएगा c माइनस डी बाई टू। तो अगर इसको जो है इस चारों फार्मूला में जो है एक है दो है तीन है चारों में अगर इसको रखा जाए तो देखिए क्या बन जाएगा। पहला हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, साइन सी साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी, तो देखिए ए प्लस बी को तो सी मान लिए हैं और ए माइनस बी को डी मान लिए हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या है, यहाँ देखिए टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे, सी प्लस डी बाई टू, क्योंकि सी प्लस डी के रूप में लिख रहे हैं, और b के जगह पर जो है से लिख देंगे c माइनस डी बाई टू। तो देखिए साइन c प्लस साइन d बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टू साइन c प्लस डी बाई टू इसमें आ गया इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू इसमें आ गया b के जगह। अब देखिए इसमें जो है इसके आधार पर दूसरा के आधार पर देखिए फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d तो टू कॉस c प्लस डी बाई टू, देखिए a के जगह पर इंटू साइन c माइनस डी बाई टू इसमें आ गया। अब जो है से तीसरा के आधार पर देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इसमें आ गया इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इसमें आ गया। अब देखिए चौथा के आधार पर है कॉस ए माइनस बी है और माइनस कॉस ए प्लस बी है, तब देखिए यहाँ पर ऐसे आ गया कॉस डी माइनस कॉस सी, तो ये क्या आ गया कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू ऐसे आ गया। इसको जो है से कोई कोई ऐसे याद रखता है, चाहे कहीं कहीं किताब में ऐसा मिलेगा आपको कि कॉस सी माइनस कॉस डी लिखेगा तब ऐसे लिख देगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, तो वैसे हो सकता है अगर इसको आगे इसको पीछे कर दिया जाए तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सारे फार्मूले जो है से आपको क्या करना पड़ेगा कि सारा फार्मूला को जो है से याद रखना पड़ेगा, तो इस सबको ध्यान से कीजिए और इसके बाद इसको हम समझाने का प्रयास किए हैं कि कैसे ही फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री, तो कह रहा है कि इसका मान क्या है, तो इसको जो है से दोनों को एक जात में बदल दीजिए। देखिए अगर साइन और कॉस का मामला रहे ऐसे बटा रहे और साइन और कॉस का मामला है या टेन और कॉट का मामला है या सेक और कोसेक का मामला है, अगर दोनों जोड़ने के बाद जो है से 90 डिग्री आ जाए, एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए तो इसका आंसर जो है से एक हो गया। ऐसे बनाने का तरीका देखिए हम बताते हैं, इसको मान लिया कि हम ऐसे लिख दिए दोनों को एक जात में बदल दिए तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों छोड़ दिए साइन 20 डिग्री, अब इसके बाद जो है से नीचे क्या है कॉस 70 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख दिए कॉस 90 माइनस 20 ऐसे लिख सकते हैं,
आखिर 90 माइनस 20 तो 17 आ जाएगा। अब इसको साइन को जो है से टच नहीं कर रहे हैं, इसको जो कहते हैं साइन 20, अब बाई क्या आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या काम कर रहा है 20, तो ये क्या आ गया, एक आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से जो है से 20 और 70 अगर जोड़ दिया जाए, मान लिया कि 20 है तो 20 प्लस 70, तो 20 प्लस 70 बराबर क्या आ गया 90। तो जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाए तो उसका आंसर जो है से एक आएगा। उसी तरह से देखिए टैन क्या है 20 डिग्री 15 मिनट, और साइन कॉट क्या है 69 डिग्री और 45 मिनट है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 90 डिग्री आ जाएगा। देखिए हम जोड़ के बताते हैं, देखिए 20 डिग्री है आई क्या है 15 मिनट है, आई आपका क्या है 59 डिग्री है और 45 मिनट है। तो देखिए अगर इधर जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, इधर आपका 60 आ जाएगा, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, और इधर आपको क्या आ जाएगा तो 1 डिग्री इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जोड़िएगा तो कई डिग्री आ जाएगा आपको 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री आ गया तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो इस तरीका से बनाया जा सकता। अब देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि 3 sin theta + 4 cos theta = 5 है, तो कह रहा है कि 10 theta का मान बताइए। तो इसका मान जो है से अगर बताया जाएगा तो अगर इसको बनाइएगा तो बहुत जो है से लंबा टाइम आपको लग जाएगा। क्वेश्चन जो है से हमेशा इसको पूछा जाता है, तो आखिर शॉर्ट टाइम में इसको कैसे बनाइएगा, ये आपको जो है से पूरा एक पन्ना जो है से लग जाएगा। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि ये साइन थीटा आप प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी रहे, और उसके बाद जो है से अगर यह समकोण त्रिभुज पर सेट हो जाए, तो समकोण त्रिभुज पर सेट हो जाए तो इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखिए तो जो साइन के साथ है ना उसको लंब मान लीजिएगा, तो मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, तो देखिए तो यह जो है से लंब का काम करेगा, जो साइन का कोफिशियंट होगा, जो साइन के साथ गुना है वह लंब का काम करेगा, तो यह 3 है, आई जो कॉस के साथ है वह 4 है। तो इसका अगर मान निकालिएगा, कर्ण का मान निकालिएगा, तो कर्ण क्या आ जाएगा 5 आ गया। तो देखिए ये जो है ये क्या है कि सेट कर गया, 3 अगर रख दे रहे हैं लंब को और 4 रख रहे हैं अगर आधार को, तो यह जो है से कर्ण हो जा रहा है 5। तो अगर ऐसा आ जाए, हो सकता है आप जो है से आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर 4 हम लंब को रख दे और इसके बाद 3 जो है से अगर आधार को रखे, तो फिर भी जो है से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, कर्ण 5 आ जाएगा। लेकिन वैसा नहीं रखिएगा, साइन के साथ जो साइन का कोफिशियंट है, तो साइन के साथ जो गुना है ना उसको लंब के रूप में रखिएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, पहले लंब होता है, और उसके बाद जो कोस का कोफिशियंट है, कोस के साथ जो गुना है उसको आप आधार रखिएगा, तो इसका तो जो है से कर्ण के ही बराबर आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पर बिल्कुल जो है से क्या है कि सेट है, इसलिए टेन थीटा का मान निकालिए, तो टेन थीटा का मान आराम से आप जो है से निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/4, यह आपका आंसर हो गया। तो देखिए बड़ी आसानी से जो है से इसको हम लोग सोल्व कर लिए, जबकि इसको जो है से सोल्व आप करने बैठिएगा तो पूरे एक पन्ना में सोल्व कीजिएगा। चलिए इसको जो है से देखते हैं कि यह जो है से क्या है कि कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो देखने में आपको हार्ड लगेगा, बनाने चलिएगा तो एक एक पन्ना में बनाइएगा, डेढ़ पन्ना में बनाइएगा, लेकिन इसके बाद उसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ रहता है, जिसको जो अगर लड़का वह पकड़ लिया, अगर लड़का तेज है वह पकड़ लिया तो बड़ी आसानी से बना देगा। देखिए 5 sin theta + 12 cos theta = 13 है, तो देखिए यह भी जो है से जैसे ही साइन थीटा और कॉस थीटा का मामला रहे कि ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी के रूप का रहे, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि यह समकोण त्रिभुज में सेट तो नहीं कर रहा है। तो अगर इसको 5 sin के साथ गुना 5 है तो इसको लंब रख दीजिए, कॉस के साथ गुना 12 है तो इसको 12 रखिए, आधार को 12 रखिए, तो 5 के स्क्वायर जोड़ 12 के अगर स्क्वायर हम करते हैं, देखिए 5 के स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर, इसका अगर अंडर रूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब तो 13 आ गया, तो इसका मतलब है कि सेट हो गया कि 5 sin theta + 12 cos theta = 13।
तो इसका मतलब है कि अब तो हम आराम से जो है सो बता सकते हैं टैन थीटा बराबर क्या बता दीजिएगा, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंबाई आधार, तो 5/12 जो है सो इसका आंसर होगा। अब उसी तरह से 40/9 है, तो 40/9 है तो ये भी जो है सो हम सेटिंगे करके दिए हैं, अगर इस 40 है 9 है तो ये आपका 41 आ जाएगा, तो यहाँ पर टेन थीटा अगर बताइएगा तो क्या जाएगा 40/2 आपका क्या जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से इसका इस सब को जो है से आसानी से जो है से हम लोग बना लिए। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3 tan θ = 4, तो 2 sin θ + 3 cos θ / 5 sin θ - 2 cos θ का मान बताइए। यह जो है से हमेशा क्वेश्चन जो है से डिप्लोमा में पूछा जाता है और इसके बाद मैट्रिक स्तर मैट्रिक पर भी पूछा जाता है। तो देखिए इसको जो है से आप ऐसे बनाते होंगे, इसको बनाइएगा कैसे, तो इसको जो है से बनाइएगा तो आप जो है से लगता है कि लंबा बनाते होंगे, ऐसे बनाइएगा कि टेन थीटा बराबर क्या लिखिएगा, टेन थीटा बराबर 4/3 लिखिएगा, तो 4/3 लिखिएगा, तो इसके बाद फिर एगो फिगर बनाते होंगे, ऐसे फिगर बनाते हैं आप, फिगर बना करके आई थीटा दे दीजिएगा, ये 4 दे दीजिएगा, ये 3, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। तो इसके बाद जब 5 आ गया तो इसके बाद इसमें जो है से मान रख देते हैं 2 sin θ, तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा 4/5 और प्लस 3 cos θ, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/5 अब बटे हाई भाई इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 4/5 और प्लस माइनस है कॉस थीटा, 2 cos θ है तो 2 × कॉस थीटा बराबर बताइए तो 3/5, तो इस तरह से आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, तो 9 × 8 = 17 आ गया 17, और 5 LCM है नीचे का भी, 5 LCM रहेगा वो कट जाएगा, 5 × 2 = 20, आप 20 में से 6 घटा दीजिए तो क्या जाएगा 14, तो यही आपका आंसर जो है से आ गया। आप ऐसे बनाते हैं ठीक है, देखिए तो हम ऐसे ही इसको बना रहे हैं, दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं। देखिए इसको हम जो है से ऐसे मान लिया कि बना रहे हैं, ऐसे सेट कर जा रहा है इसलिए बना रहे, भी आपका तरीका जो है से सही था, लेकिन देखिए ना हम ऐसे बना रहे हैं कि टेन थीटा बराबर क्या है 4/3 है, तो टेन थीटा को हम ऐसे समझ आ रहे हैं कि साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या है दिया हुआ है 4/3, यही वाला है यह दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि साइन थीटा बराबर एक तरह से 4 है, 4 के समझिए, अब कॉस थीटा बराबर 3 के अनुपात में के शामिल है, तो अब इसको डायरेक्ट अगर इस पर हम सेट कर दें, अगर हम इस पर डायरेक्ट अगर सेट कर दे तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 4 के समझिए, अब प्लस 3 × अब कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3 के अनुपात में के शामिल कर लिए हैं, अब आई क्या आ जाएगा 5 sin θ है, तो 5 × साइन थीटा बराबर क्या 4 के, अब माइनस 2 × कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3 के, 3 के आ जाएगा, तो 4 × 2 = 8 आ गया, 3 × 3 = 9, तो 9 × 8 क्या आ गया 17 के, तो 17 के आ गया बाई क्या आ जाएगा 5 × 20 में से 6 घटाइए, तो 20 में से 6 घटाइएगा तो 14 किया, किया के क्या हो गया कट गया, तो ये आंसर आ गया। तो यह जो है से थोड़ा आसानी से हुआ है, तो जहां इस टाइप से बनने लायक रहेगा तो दिमाग आपको दौड़ाना है, तो देखिए दोनों साथ दोनों तरह से जो है से आंसर आपका सेम आया है। उसी तरह से देखिए तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि टेन थीटा का मान जो टेन एक्स का मान -5/12 है, लेकिन एक कंडीशन है कि एक्स द्वितीय पाद में है, द्वितीय चतुर्थांश में है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कह रहा है कि सबसे मान आप बता दीजिए कि क्या हो, तो एक्स जो है से आपका क्या है किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में, तो जब द्वितीय में है तब ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, तो इसको प्रथम कहा जाता है आई द्वितीय है, तो द्वितीय में है तो द्वितीय में है तो बनाइए इसको ऐसे कीजिए, यही आपका जो है से एक्स एंगल है, ये एक्स एंगल है, तो टेन थीटा बराबर 5/12 होता है, तो 5 आपका क्या हो गया,
पांच आपका जो है से लंब हो गया और आधार 12 हो गया। तो देखिए यह जो है से क्या है, तो इधर प्लस में रहता है वाई, आ इधर एक्स प्लस में रहता है, इधर जो है से एक्स माइनस में, आ इधर जो है से वाई क्या रहता है माइनस में। तो यह लंबाई यह जो है से पांच लेना पड़ेगा, आ यह क्या आ जाएगा, यह आपको माइनस 12 लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि इधर वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, आ ये आपका क्या है वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष है, तो इस साइड तो माइनस में लेना पड़ेगा वाई नियामक, तो वाई नियामक माइनस में लेना पड़ेगा, यानी माइनस 12 हो जाएगा, आई पांच ई वाला हो जाएगा, माइनस पांच नहीं पांच होगा, क्योंकि यह जो है से ऊपर दिशा में जा रहा है। तो अगर इसमें हम टेन एक्स का मान निकालेंगे तो पांच बटे माइनस 12, तो पांच बटे माइनस 12 कहिए चाहे माइनस पांच बटे 12 एक चीज है, तो इसके बाद जो है पांच है 12 है, तो इसका मान आप निकाल लीजिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, पांच के स्क्वायर इसका मान जो है से 13 आ जाएगा। देखिए हम निकाल दे रहे हैं, इसमें कर्ण अगर हम निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा बताइए, तो पांच के स्क्वायर प्लस माइनस 12 के स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस 13 आएगा, यानी प्लस 13 और माइनस 13 दोनों आ सकता है, तो दोनों आ सकता है। तो इसके बाद जो है से क्या है कि इस क्वाड्रेंट के बात चल रहा है, तो इस क्वाड्रेंट का बात चल रहा है, तो साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स का मान आपको बताना है। तो देखिए साइन एक्स का मान बताना है, तो साइन एक्स का मान बताना है, तो आइए साइन एक्स बताइए। तो देखिए कर्ण का मान जो है से क्या आ गया है, तो कर्ण का मान जो है से यहां पर जो माइनस में तो नहीं लिया आएगा कर्ण, तो यह जो है से नहीं कीजिएगा, तो साइन एक्स का अगर मान निकालिएगा तो यह सेकंड क्वाड्रेंट जो है से साइन का घर है, इसका मतलब है कि इसमें जो है से आंसर साइन का आंसर जो है से प्लस में रहेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बाई कर्ण, तो पांच बटे क्या लिखाएगा 13 या माइनस 13, तो 13 लिखाएगा, तो पांच बटे 13 ही आंसर आपका आ गया। उसी तरह से कॉस एक्स बताना है, तो देखिए कॉस एक्स बताना है, तो कॉस एक्स हम बता रहे हैं, कॉस एक्स बराबर सेकंड क्वाड्रेंट के बात है, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट के बात है तो कॉस जब भी आएगा तो माइनस में आएगा, तो इसका मतलब माइनस पहले से ही दे रखिए। और इसके बाद क्या है आधार बाई कर्ण, तो आधार के जगह पर जो है से क्या है माइनस 12, तो यही माइनस वाई है, समझिए माइनस 12 है, अब बाई क्या कर्ण, तो कर्ण जब भी लीजिएगा तो वो तो आपको प्लस में लिखाएगा, तो इतना बाई 13, तो ई आंसर हो जाएगा, इसको 12 बटे 13 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सेक एक्स है, तो सेक एक्स अगर लीजिएगा तो दूसरा क्वाड्रेंट में है, तो ये तो क्लियर है कि माइनस में इसका आंसर जाएगा माइनस, अब क्या आ जाएगा, तो आधार बाई क्या आ जाएगा, तो आधार बाई जो है से यहाँ पर आपका आ जाएगा आधार बाई कर्ण, तो आधार का मान क्या लीजिएगा माइनस 12, आधार कर्ण बाई आधार लीजिएगा ना, तो 13, और 13 बाई क्या माइनस 12, तो इस तरह से जो है से ई आ जाएगा, तो 13 बाई माइनस 12 माइनस हम ले माइनस लिए हैं, तो इस तरह से। तो एक और क्वेश्चन इसी पर है, कॉस एक्स बराबर माइनस 1/2 है, लेकिन कह रहा है कि एक्स तृतीय पाद में है, आपको जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो टेन एक्स से कोसेक एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले जो है से इसको आपको फिगर बना देना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में ही है, तो एक्स जो है से तृतीय क्वाड्रेंट में है, मतलब इसमें है, तो इसमें है, तो देखिए इसमें जो है से हम बना रहे हैं ऐसे, तो यह जो है से क्या लेना पड़ेगा, यह जो है से आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, तो आधार के जगह पर एक है, कर्ण के जगह पर जो है से आपका क्या है दो है, तो आधार के जगह पर एक लीजिए, तो आधार के जगह पर माइनस एक लेना पड़ेगा, माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस इसलिए ले रहे हैं कि यह मूल बिंदु से ही साइड पड़ रहा है एक साथ पर है, तो माइनस में लेना पड़ेगा। और इसके बाद कर्ण, तो कर्ण तो हमेशा प्लस में लीजिएगा, चूंकि यह एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, लिया जाता है प्लस में, तो यह जो है से दो हो गया। अब इसको निकालिए, पी को जो है से निकाल लीजिए,
तो बी को अगर हम निकालने चलेंगे तो क्या जाएगा, कर्ण स्क्वायर माने 2 के स्क्वायर और माइनस माइनस 1 के स्क्वायर, और ये क्या जाएगा अंडर रूट ही आ जाएगा। तो अंडर रूट आ जाएगा तो 2 दूनी 4 घटा दिए तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा तो यहाँ पर जो है से क्या है एक आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो रूट 3 एक प्लस में होगा आ एक माइनस में रूट 3 होगा, क्योंकि प्लस माइनस जो है से दोनों वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है से पी नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो मूल बिंदु से नीचे है वाई अक्ष पर है, तो इसका मतलब कि पी को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए यह जो है से नहीं लेना है आपको। जब भी लेना है यह तो पी जो है से नीचे जा रहा है और वह वाई अक्ष पर है, मूल बिंदु से नीचे है, तो इसका मतलब कि यह जो है से निगेटिव लेना पड़ेगा। तो अब जो निकालना है से निकाल दीजिए, अब tan x निकालना है, तो tan x का मान अगर निकालिएगा तो tan x बराबर क्या आ जाएगा, तो बताइए tan बराबर क्या होता है, तो लंब बाई आधार, तो लंब बताइए तो माइनस रूट 3, ये लंब आ गया बाई आधार, आधार है आपका माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, यानी प्लस में आंसर आया रूट 3 आया। ऐसे भी आप चेक कर लीजिए कि अगर तीसरा क्वाड्रेंट में है तो टेन का ही घर होता है तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरा अगर टेन का घर होता है तो टेन को प्लस में आना चाहिए था, प्लस में मेरा आ गया, इसका मतलब है कि सही है। अब इसके बाद जो है से कोसेक बताना है, तो कोसेक एक्स बराबर बताना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बाई लंब, तो कर्ण तो आपका क्या है 2 है, अब बाई लंब तो लंब क्या लीजिएगा, तो लंब पी है, तो यह जो है से प्लस के तो काट दिया है, चूंकि यह जो है जब तीसरा क्वाड्रेंट में है वाई अक्ष पर है तो जब भी होगा तो यह माइनस में होगा, तो यानी माइनस रूट 3, माइनस क्या रूट 3। अभी माइनस को ऊपर भी बोल सकते हैं या नीचे बोलिए, तो माइनस के लिए दिक्कत नहीं है। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यह जो है से आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है से इतना तक जो है से बनाया गया। हाँ तो देखा जाए प्रॉब्लम कुछ ले रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिखो, तो बढ़ते क्रम में लिखो का मतलब है कि इनक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब कि सबसे छोटा को पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है, उसका बाद उससे बड़ा लिखना है। तो देखिए साइन 20 डिग्री है, कॉस 200 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है, तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर रहे और जीरो से बड़ा या उसके बराबर रहे, तो थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है, एक से जो है जीरो, साइन जीरो बराबर जीरो था, साइन 1/32 था, तो 90 तक बढ़ते बढ़ते एक तक गया था, लेकिन कॉस थी, लेकिन थीटा का मान बढ़ने पर जो है 90 तक कॉस थीटा का मान घटता है, और इसके बाद क्या है कि टेन थीटा का मान जो है से 90 तक बढ़ने पर टेन थीटा का मान बढ़ रहा था, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देखिए सबको सबसे पहले जो है से एक जाप में करते हैं, तब जो है से चुनने में आसानी होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आइए साइन 20 डिग्री है और 90 के अंदर लाइएगा, तब जो है से आसानी से पहचान आएगा कि क्या है। तो यह जो है से क्या है, साइन 20 डिग्री है, तो ठीक है इसको छोड़ दीजिए। यह साइन क्या है, कॉस 200 डिग्री है, तो सबसे पहले इसको साइन में लाइए, तो साइन में लाइएगा, तो साइन में जो है से कैसे लाइएगा, तो इसको जो है ऐसे मान लिया कि हम सबसे पहले ऐसे इसको कर देते हैं कि कॉस 180 और प्लस 20 कर देते हैं, तो 180 प्लस 20 करेंगे तो क्या जाएगा, तो 180 प्लस माइनस अगर थीटा कुछ भी रहता है तो नहीं बदलता है, तो ये तो कॉस 20 हो जाएगा, थीटा की जगह पर ही काम करेगा, तो कॉस 20 आ जाएगा, कॉस क्या आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें जो है से चिन्ह का निर्धारण कर लेते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, तो यहां से चलेंगे तो देखिए इस क्वाड्रेंट में आ गए, तीसरा क्वाड्रेंट में आ गए, तो तीसरा टेन कोट का घर था, कॉस का घर नहीं था, कॉस का घर तो आपको चौथा घर था, फोर्थ क्वाड्रेंट था, और इसके बाद जो है से फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका घर था। तो अगर तीसरा घर में आ गया, यह जो है से तीसरा घर में आ गया, तो इसका मतलब कि कॉस नाम का आदमी ही घर में आ गया, नहीं तो माइनस होगा, तो क्लियर है कि माइनस होगा, तो चलिए इतना जो है से यह जो है से माइनस होगा। अब इसके बाद ये साइन 70 है, तो अब आप समझिए
कि इसको अगर मान लिया कि साइन के रूप में लाइएगा तो साइन के रूप में भी ला सकते हैं, जबकि साइन है तो चलिए एक ठीक है साइन के रूप में ला देते हैं, उसे दिक्कत नहीं है। तो साइन के रूप में इसको जो है से ऐसे हम ला रहे हैं कि माइनस का जो कहते हैं छोड़ दिया कॉस 90 माइनस इसको क्या लिख दिए बताइए, 90 माइनस इसको लिख दिए 70, तो क्या आ जाएगा ये, तो यह है आपका आ जाएगा माइनस है ठीक है ये माइनस है, अब कॉस 90 माइनस थीटा है तो 90 वाला तो बदल जाता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन 70, तो साइन 70 आएगा तो प्लस या आएगा या माइनस आएगा इसके बारे में देखिए, तो साइन 90 माइनस 70 जब आएगा तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये प्लस ही होगा, तो ये आपको आ गया माइनस साइन क्या 70, माइनस साइन 70 आ गया, इसका मान आया, तो इसका मान आया तो सबसे छोटा जो है से देखिए साइन 20 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है, माइनस साइन 70 डिग्री है, तो माइनस में है तब तो सबसे छोटा होगा, तो माइनस 70 आपका जो है से सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि कॉस 200 डिग्री का मान जो है, कॉस 200 डिग्री का मान जो है से सबसे छोटा आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है से ये आपका क्या है यह निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा क्या होगा तो साइन 20 होगा, इससे बड़ा आपका साइन 20 होगा, इससे बड़ा क्या होगा तो साइन 70 होगा, साइन क्या डिग्री होगा 70 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का मान जो है से बढ़ने के बाद जो है से साइन थीटा का मान बढ़ते जाता है 90 डिग्री तक का मामला में जो है से ऐसा हम बताए थे पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि सबसे मान छोटा किसका होगा तो कॉस 200 डिग्री का, उससे बड़ा साइन 20 का और सबसे बड़ा साइन 70। अब आइए ये किस तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं कि कॉस 1 डिग्री जोड़ कॉस 2 डिग्री, इस तरह से कॉस जोड़ना ही है, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, और इस तरह से जो है से करते करते कॉस 92 डिग्री तक है, 92 डिग्री तक है, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो देखिए मान लिया कि जो है से इसमें जो है से क्या है कि एक जो है से कॉस 90 डिग्री तो इसमें जरूर आएगा, कॉस 1 डिग्री है, कॉस 2 डिग्री है, कॉस 3 डिग्री है, डॉट डॉट है, और कॉस 92 डिग्री तक है, तो इसका मतलब कि कॉस जो है से 90 डिग्री तो जरूर आएगा, तो कॉस 90 डिग्री का मान जो है से क्या हो जाएगा, कॉस 90 तो जीरो होता है, तो कॉस 90 जीरो है तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है से कॉस 90 डिग्री तक जरूर छुपा हुआ है, अब कॉस 90 डिग्री का मान बताइए क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान तो जीरो होता है, तो जीरो होता है तो इधर जो कुछ भी रहे अंक, और इसके बाद इसमें अगर जीरो से इधर कुछ भी रहे जीरो से जब गुना होगा तो फाइनल रिजल्ट मेरा तो जीरो आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है से क्या डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा। आइए टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री है, और इसी तरह से टेन जो है से 89 डिग्री तक आपका है, तो टेन 89 डिग्री तक है, तो इसके बाद देखिए तो टेन 1 डिग्री जो है टेन 1 डिग्री, तो टेन 1 डिग्री का दोस्ती करवाइए टेन 89 डिग्री से, इसके बाद जो है से टेन क्या है 2 डिग्री है, तो टेन 2 डिग्री का जो है से दोस्ती क्या किसे करवाइएगा, तो टेन 89 डिग्री के पहले जो है से टेन 88 डिग्री तो होगा ना, तो उससे दोस्ती कराइए, तो इस तरह से दोस्ती कराइए, और इसके बाद जो है से क्या है 89 है, एगो टेन 45 पे जो है से अलग से छांट दीजिए, टेन 45 डिग्री को अलग से जो है इसको सिंगल लिखिए और बाकी जो है से जोड़ा बनाइए, और जोड़ा इस तरह से बनाना है कि दोनों एंगल जोड़ला के बाद जो है से 90 आ जाए, तो यह जो है से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी जोड़ा जो है से टेन क्या है 1 डिग्री है, आ इंटू क्या है टेन 89 डिग्री, तो टेन 89 डिग्री के हम लिख सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 1 डिग्री, चलिए ऐसे हो गया, यह क्या है टेन 2 डिग्री, टेन 2 डिग्री, आ इस तरह से टेन 88 डिग्री है, तो टेन 88 डिग्री है, तो 88 को हम लिख सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो यह हो जाएगा कॉट 2 डिग्री आपका आ जाएगा, कॉट 2 डिग्री,
इस तरह से डॉट 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 जो है प्रतीक जोड़ा को ऐसे टेन कॉट टेन कॉट टेन कॉट में बदल दिया, लेकिन इसको हमने जो है से ज्यों के त्यों छोड़ दिया है टेन 45 डिग्री को। अब आइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हम क्या बताए हैं वन होता है, तो वन होता है देखिए आ जाएगा ये आपका, तो यहाँ जो है से क्या आ जाएगा वन वन आ जाएगा, और गुने क्या आ जाएगा वन गुने वन गुने वन, इस तरह से सब आते चला जाएगा। यह जो है से हम क्या लिख दिए कि लाट में हम जो है से टेन 45 डिग्री लिख दिए, तो ये क्या आ जाएगा वन गुने वन, इस तरह से डॉट डॉट लाट में टेन 45 डिग्री अकेला है तो ये भी वन, यानी फाइनल आंसर जो है से इसका क्या आने जा रहा है, यह जो है से फाइनल आंसर इसका वन होगा। अब आइए साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो देखिए इसको दोनों को जो है से एक जाति में सबसे पहले बदल देते हैं, तो मान लिया कि इसको ऐसे लिख दिए कि साइन ए अब बराबर कॉस बी है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए कि साइन 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या कॉस बी आ जाएगा, कॉस बी को अगर हमने साइन 90 माइनस बी लिख दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन हटाने पर तो इसलिए ए बराबर बी ए बराबर क्या आपको आ जाएगा 90 माइनस बी आ जाएगा, दिस इम्प्लाइड इस बी को इधर लेके चले जाइए, तो इसलिए ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि ए बराबर बी है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, तो अगर ए बराबर बी है तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि बी के जगह पर ए लिख दीजिए तो इधर कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री बटा वन प्लस टेन स्क्वायर 15 डिग्री, हमने फॉर्मूला बताया था कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यह जो है से किसका फॉर्मूला था आपको कॉस टू थीटा का था, तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो यह हो जाएगा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये है जो हम लिख चुके हैं, तो कॉस टू थीटा का इसका मतलब क्या है कि दो गुने थीटा के बराबर कितना डिग्री है 15 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री आ गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान बताइए तो रूट 3 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यह जो है से आपका आंसर आ गया। उसी तरह से देखिए 2 tan 15 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है से sin 2 थीटा का हमने फार्मूला बताया था जो हम लिख दिए थे, तो यहां पर जो है से क्या हम लिख देंगे sin 2 थीटा का ही फार्मूला, तो साइन टू थीटा और थीटा के जगह पर काम क्या कर रहा है 15 डिग्री, तो साइन क्या आ जाएगा साइन 2 इंटू 15 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान आपको याद है एक बटे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, तो यह जो है से आपका आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर आइए 2 tan 15 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चन एक नहीं है, देखिए यहाँ पर प्लस था तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, और यहाँ पर जो है से 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री है, तो यह जो है से tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan 2 थीटा यानी कि tan 2 गुने का डिग्री 15 डिग्री यानी tan 30 डिग्री आ गया, tan 30 डिग्री का मान आपको याद है एक बटे रूट 3 हो जाएगा, तो इस तरह से जो है से यह हो गया। अब साइन 15 डिग्री का अगर आपको मान बताना है तो कैसे बताइएगा, तो साइन 15 डिग्री आपको तो याद है 0 डिग्री याद है 30 डिग्री याद है 45 याद है 60 याद है 90 याद है, सब याद करने के लिए बताए थे, तो देखिए उसी पर इसको सेट करने का प्रयास कीजिए, तो इसको मान लिया कि हम ऐसे लिख दे रहे हैं साइन 45 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री, तो 45 में से अगर 30 घटाएंगे तो 15 ना आएगा, तो 15 आ जाएगा, तो यही साइन 15, तो साइन ए माइनस बी के ही फॉर्मूला पर आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए तो ए के जगह पर ही है इन टू कॉस क्या कॉस बी और माइनस कॉस ए इन टू साइन क्या आ जाएगा साइन बी, इस तरह से आ जाएगा, तो अब इसके जगह पर लिख दीजिए तो एक बटे रूट 2 ही हो जाएगा इन टू ई क्या आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है रूट 3 बाई 2 ऐसा है, हाँ माइनस कॉस 45 है तो एक बटे क्या होता है रूट 2, यह क्या होता है एक बटे 2,
अब इसका लघुतम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, दो रूट दो, तो इधर क्या आ गया रूट थ्री माइनस वन, तो रूट थ्री माइनस वन बटा दो रूट दो, इसका क्या आ गया, ये आंसर आपका आ गया। अब आइए टेन पंद्रह डिग्री है, तो टेन पंद्रह डिग्री को भी जो है से सेट कीजिए, जीरो डिग्री, तीस डिग्री, पैंतालीस डिग्री, साठ डिग्री के अंदर पर सेट करना है आपको, तो इसी पर सेट कर दीजिए कि टेन कितना पैंतालीस डिग्री और माइनस क्या आता है तीस डिग्री, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको दे चुके हैं, क्या दिए हैं बताइए, तो टेन पैंतालीस डिग्री और माइनस क्या टेन तीस डिग्री, अब बटा वन प्लस टेन पैंतालीस डिग्री, टेन पैंतालीस डिग्री इंटू टेन तीस डिग्री, तो इसके बाद ही आ जाएगा क्या, टेन पैंतालीस डिग्री एक होता है, तो एक बटा वन माइन वन बटा रूट थ्री आई आ जाएगा वन प्लस और वन गुने एक बटा रूट थ्री, यानी फाइनल मिला जुला करके क्या आपको आ जाएगा रूट थ्री लघुतम हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको रूट थ्री माइनस वन और बटा रूट थ्री प्लस वन, ऐसे आ जाएगा। पर मेयीकरण अगर इसका नीचे वाला के कीजिएगा तो और कुछ आ सकता है, उस तरह से भी आ जाएगा। अब आइए यह क्वेश्चन जो है से बहुत सा अन्य कॉम्पिटिशन में भी पूछा हुआ है, तो इसको जो है से ऐसे पूछता है कि कौन सत्य है, टेन सत्तर डिग्री बराबर, यह सत्य आपका आएगा कि टेन सत्तर डिग्री बराबर टू टेन पचास डिग्री जो टेन बीस डिग्री, एक च्वाइस ऐसे देगा कि टेन सत्तर डिग्री बराबर टेन पचास डिग्री जो टेन बीस डिग्री, ढेर लड़का जो है से उसी पर मार देगा, तो मार देगा तो गलत हो जाएगा। देखिए टेन सत्तर डिग्री बराबर टू टेन पचास डिग्री जो टेन बीस डिग्री होगा, तो इसको सीधे करने के लिए ऐसे हम लिख दिया है, लेकिन यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आने बहुत से कंपटीशन में आया हुआ है, इसको हम देख चुके हैं। तो देखिए इसको जो है से अटपट जैसा आपको लग रहा होगा, तो इसको मैं सीधे करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए टेन सत्तर डिग्री है, तो टेन सत्तर डिग्री लिख दीजिए, टेन सत्तर डिग्री, तो टेन सत्तर डिग्री है, तो इसके बाद हम ऐसे लिख रहे हैं कि टेन पचास प्लस बीस, तो टेन ए प्लस बी आ गया, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि टेन पचास आप प्लस बताइए टेन बीस अब बटा वन माइनस टेन पचास इंटू टेन क्या बीस, इस तरह से हमने लिख दिया। अब जो है से तिरछा तिरछी हम गुना कर रहे हैं, तो तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, टेन सत्तर डिग्री में जो है से टेन सत्तर डिग्री, आइए टेन सत्तर डिग्री माइनस ये क्या आ जाएगा टेन पचास डिग्री इंटू टेन बीस डिग्री इंटू टेन सत्तर डिग्री, आखिर दोनों में ना गुना होगा, इससे पीछा पीछे गुना कर रहे हैं, अब बराबर यही वाला है टेन क्या पचास और प्लस टेन बीस, इस तरह से। तो अब आइए अब इसको ऐसे लिख रहे हैं टेन सत्तर डिग्री माइनस टेन पचास डिग्री है। अब देखिए टेन बीस डिग्री या टेन सत्तर डिग्री है, ये देखिए इसको देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं टेन बीस डिग्री आई क्या है टेन क्या है सत्तर डिग्री है, तो टेन सत्तर डिग्री अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट बीस डिग्री, कैसे लिख सकते हैं बताइए, टेन सत्तर डिग्री है तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना कि टेन नब्बे माइनस बीस डिग्री, तो टेन नब्बे माइनस थीटा कॉट थीटा, तो टेन सत्तर को हम क्या लिख सकते हैं कॉट बीस डिग्री लिख सकते हैं, और यह जो है से ज्यों का त्यों हमने उतार दिया कि टेन पचास और प्लस टेन क्या बीस। अब देखिए यह जो है से दोनों मिल करके क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा दोनों, ये दोनों मिलके एक हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक, तो अब आ जाएगा ये टेन सत्तर डिग्री अब माइनस कितना है टेन पचास डिग्री बराबर टेन पचास प्लस टेन बीस, इसको जो है से उस साइड में लेके चल गए बराबर के दूसरा साइड लेके चल गए, तो इधर माइनस चिन्ह है टेन पचास का, तो उधर क्या आ जाएगा प्लस, तो टेन पचास जो टेन पचास, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो टू टेन पचास डिग्री और प्लस क्या आ जाएगा टेन बीस डिग्री, तो इस तरह से जो है यह जो है से सोल्व हो गया, और बहुत से कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से जो है से आज मैं जो है से बस इतना ही जो है से पढ़ाता हूँ, और इसके बाद जो है से शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहे हैं, तभी जो है से आप मैथ सीख पाइएगा और डिप्लोमा में चुनाइए, अपना मान सम्मान बढ़ाइए, और शुरू से अंत तक नहीं देखिएगा तो कैसे होगा,
इसलिए शुरू से अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं बार बार जो है से हर वीडियो में अपील करता हूँ, और आप जो है से ध्यान से सुने। तो इसी के साथ जो है से बस, आज इतना ही, धन्यवाद।